नाली का पानी पीने को मजबूर है। केजरीवाल की तरह एक के साथ एक फ्री थोड़ी बियर दे रही है या बोतल दे रही है। एक की जगह चार चार टीके खोल दिए हैं। कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, आप थोड़ा आप निकलिए। ये बताइए भाई साहब, किस लालच में आप लोग आए हैं मैम? पहली बात तो ये हमारी दीदी है, लालच कोई है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दूसरी बात, दीदी ने क्षेत्र में जितनी भी जनता रह रही है उनका रिश्ता सबसे दीदी का ही है। अच्छा, अच्छा। इसलिए यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी लालच से नहीं आया है। अच्छा, कार्यकर्ता से लालच से नहीं आया। भाजपा सरकार कुछ काम नहीं करती, इतने सालों में क्या काम किया, जरा दो काम गिनवा दीजिए कैमरे के आगे। आज की डेट में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट मांगने चौड़ी छाती होकर वोट मांगता हूँ, क्योंकि हमने जो काम किए हैं, हमारी जो MCD में जो सरकार रही, हमारे यहाँ इतने ढलाव घर थे, बदबू आती थी, आज सारे पूरी दिल्ली के अंदर ढलाव घर बंद हो गए। और नंबर दूसरा, जो हमारे कूड़े के जो ढेर होते थे जगह जगह पर, यहाँ पर गाड़ियों में कूड़ा जाता था, रास्ते में फैलता हुआ कूड़ा जाता था, आज हमने यहाँ पर प्लांट लगाए हुए, कूड़ा का निस्तारण यहीं हो रहा है। और तीसरा काम, जो हमारा ये गाजीपुर पे जो शीला सरकार में जो बनाया गया था, जो आज केजरीवाल इसको मुद्दा बना रहा, तो हमारे आदरणीय गौतम गंभीर जी ने उसमें मशीनें लगा के उसको 60 फुट पहाड़ को नीचा किया हुआ है। 60 फुट पहाड़ नीचे कर दिया। देखिए, जो जोश तो नजर आ नहीं रहा आपकी पार्टी में शायद। अरे जोश आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। महिलाओं से बात कर लेते हैं, महिलाओं के बिना शायद देश आगे बढ़ेगा नहीं। ये बताइए कि आप घर का काम वाम छोड़कर क्यों समय बर्बाद कर रही हैं भाजपा के साथ? क्योंकि भाजपा अच्छा काम करती है ना, इसलिए समय बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल की तरह एक के साथ एक फ्री थोड़ी बियर दे रही है या बोतल दे रही है। देश को मरवाना थोड़ी है, बचाना है। भैया भैया, हम लोगों के घर में आग लगेगी तो क्यों हम उसको चुनेंगे? अरे घर में आग थोड़ी लगाने, बच्चे पालने हैं, बच्चों की शादी करनी है, फैमिली दिखानी है, मनवाना थोड़ी है देश को। फ्री का मतलब जो ये जो फ्री की स्कीम होती गलत होती है। बिल्कुल गलत, आग लगाने वाली है। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, गलत है। बिल्कुल गलत किया। अच्छा, क्यों किया? क्यों किया? अगर महिलाओं को 10 रुपया देंगी तो महिला बिल्कुल खुश होकर जाएंगी। उसमें जेब भी कटती है, उसमें चाकू भी लगता है, उसमें बहुत कुछ होता है। महिलाओं के साथ अच्छा अत्याचार होता है एक तरीका से देखी जाए तो। मतलब एक बात सुनिए, पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे ना, तो वही केजरीवाल जी वहाँ नशा मुक्त पंजाब बनाने की तैयारी कर रहे थे, और इस दिल्ली में बच्चे बच्चों को शराब बांटने का काम किया उन्होंने। हमारे न्यू कोंडली में पहले 3 ठेके होते थे, एक इस रोड पे, एक यहाँ पे SFS के पास, और एक पीछे उधर MIG की तरफ। अभी एक जो न्यू कोंडली मेन रोड पे उन्होंने नई आबकारी के नीति के द्वारा जो ठेका खोला उन्होंने, उसके लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, हम लोगों ने आंदोलन उठाया, उस ठेके को बंद कराया। लेकिन इतना बेशरम केजरीवाल है जिसने वहाँ एक की जगह चार चार ठेके खोल दिए हैं। आप बताइए इससे क्या गुजरा और कौन होगा? आप ये केजरीवाल ऐसे हैं जैसे आपने सांप देखा है, वो कभी भी अपने बिल या घर में नहीं रहता है, दूसरे के बनाए हुए बिल में रहता है। उसी तरह से जैसे भाजपा जो काम करती है उसका सदैव क्रेडिट वो अपने हाथ में लेता है, सदैव क्रेडिट अपने हाथ में लेता है। चाहे वो कोरोना काल में, आप वैक्सीन देखिए, किसने वैक्सीन दिया जी, किसने दिया बताइए? वो भी मुफ्त, सरकार ने दिया। मुफ्त की सेवा है, वो भी गलत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। वो पेंडेमिक वो था जिसमें वो महामारी, जहाँ हजारों करोड़ लाखों लोग मर रहे थे, परेशान थे, वहाँ वो जो काम किया उन्होंने बहुत बड़ी काम किया। अच्छा, आप क्या करते हो? कोई एक CM? दिल्ली में एक भी CM बताओ केजरीवाल, तो एक ही CM नहीं, हिंदुस्तान में केजरीवाल को छोड़ के जो शराब की घर डिलीवरी पहुँचा रहा है, फ्री होम डिलीवरी। उनका मानना, उनका मानना भाई, यूपी में पिंक आपकी शिक्षा मॉडल क्या है उनका? यूपी में एक तरफ वो कहते हैं मेरा शिक्षा मॉडल देखो, दूसरी तरफ वो घर घर शराब पहुँचा रहे हैं। यूपी में पिंक टॉयलेट खोलने की तैयारी, और यहाँ पे ये पिंक ठेके बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहने का आदमी की बात तो छोड़िए, आप कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें बंदर जो है केजरीवाल के सारे पोस्टर फाड़ के लग रहा था, इससे ज्यादा कौन क्या करते हैं। MCD में भगवान भी जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नई बात कर, हो सकता है वो गलती से हो गया वीडियो, अब वीडियो को तो हम भी दिखा सकते हैं। ये बताइए, अब सच बोलिएगा, भाजपा सरकार ने 15 साल में कुछ नहीं किया? नहीं जी, है ना, बहुत काम किया। वोट मांगने आ रहे हैं? नहीं, वोट मांगने काम के ऊपर आ रहे हैं हम। अच्छा, केजरीवाल जैसे झूठी बातें नहीं करते। अरे केजरीवाल ने तो देश को कूड़ा मुक्त बनाया। नहीं, कूड़ा मुक्त नहीं, केजरीवाल मुक्त करना है दिल्ली से। भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद विचारधारा और अंत्योदय से प्रेरित है। वो आप देखिए तो जितने भी मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, वो सारी योजनाएं धरातल पे आई हैं, एक गरीब के घर तक पहुंची है, वहाँ जातवाद नहीं देखा गया है एकदम।
चाहे वो, तो ये जात की बात कर रहे हैं और आयुष्मान योजना हो, जात पे आ गए, मैं धर्म पे आ जाता हूँ सीधा। कहीं ना कहीं भाजपा पे हमेशा आरोप लगा कि हिंदू मुस्लिम, आप धर्म की बात तो करना ही, क्योंकि भाजपा बिल्कुल धर्म पालन करते हुए और सबका से विश्वास, सबका सम्मान देते हुए काम कर दिया। सबसे पहला मेरा है, लोगों को मरने का ऐसा दबाव इन्होंने कर दिया है, पॉल्यूशन का देख लीजिए, पानी का देख लीजिए, हम लोग नाली का पानी पीने को मजबूर है, सांस लेने में हम लोगों को इतनी दिक्कत, 20 लाख गंदा पानी आ भी रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बाहर से पानी लेना पड़ता है। अब ये तो देख लीजिए, आने वाले समय में बताया जाएगा कि जनता किसको सपोर्ट करेगी। साथ है, हमारे साथ रहेगी, भारत माता की चौका लगाने जा रही है, चौथी बार जीते जा रही है बीजेपी। वो तो आप भी देखेंगे कि भारतीय जनता कुमार आप भी देखेगा किसके पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी के लिए अपडेट इतना ही, कैमरा मैन अमित के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज।